Hello students, this is Ashish Jain. In this video lecture, we will take another example of HTML. And in this example, I will add all the tags like whatever we have done so far. And so that you will not find any difficulties in the practical exam. So let's take a वेरी गुड एग्जाम्पल. सो देखिए, पहले मैं आपको एक इमेज शो कर देता हूँ लाइक वट वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो लेक्चर. सो देखिए, एक एग्जाम्पल है ये. देखिए, आप देख सकते हो जो ये फॉर्मेटिंग है इस HTML वेब पेज की, इसमें सारे ही जितने भी अब तक हमने लाइक टैग यूज़ किए हैं सभी इंक्लूड हैं. सो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है. सो देखते हैं इसको कैसे करना है. देखिए, यहाँ पर मैंने सब कुछ ही इंक्लूड किया हुआ है. ठीक है, सो जैसे देखो आपके एग्जाम में ऐसा ही आपको एक वेब पेज का आपको ऑलरेडी गिवन होगा. द थिंग इज दैट यू नीड टू क्रिएट अ वेब पेज विद द हेल्प ऑफ HTML बाय यूजिंग दिस एग्जाम्पल. ठीक है ना, दैट मीन्स आपको एग्जाम्पल देख देख के आपको सिर्फ टैग यूज़ करना है कि कैसे कैसे जो एग्जैक्ट सेम आपको जो है टैग यूज़ करना है. ठीक है, तो चलिए लेट स्टार्ट. HTML पहले तो आपको पता ही है HTML टैग यूज़ करते हैं. Then head, then title. Title तो I think इसमें नहीं लिखा, तो चलिए हम अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल लेते हैं लाइक वेब पेज फॉर्मेटिंग. एंड देन टाइटल क्लोज, देन हेड क्लोज. Then start with body tag. अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं जैसे क्या लिखा है. देखिए यहाँ पर आपको हेडिंग गिवन है. देखो ये हेडिंग में लिखा हुआ है, काफ़ी बड़ी हेडिंग है, सबसे बड़ी हेडिंग H1. ठीक है, इसका देखिए फॉन्ट फेस चलो नहीं देखे थे, बट ये देखिए जो फॉन्ट है आपका ये कौन सा कलर में, ग्रीन कलर में है. ठीक है, फिर उसके बाद मान लीजिए मैं इसमें एक मार्क्यू टैग ऐड कर देता हूँ. मार्क्यू टैग बेसिकली यूज़ करते हैं फॉर द डायरेक्शन ऑफ द वर्ड्स, मतलब हम जो भी फॉन्ट यूज कर रहे हैं उसकी जो डायरेक्शन है यानी कि वर्ड्स जो वो मूविंग डायरेक्शन में हैं. ठीक है, उसको बोलते हैं मार्क्यू, उसको बोलते हैं मार्की. ठीक है, तो देखिए इसको कैसे यूज करेंगे. जैसे H1 टैग यूज करा, फॉन्ट फेस हम यूज करते हैं फॉन्ट फेस इक्वल टू 40. कलर आपका देखिए किस में था, दैट इज इन ग्रीन. सो कलर इक्वल टू इन ग्रीन. ठीक है, अब इसको जैसे मैंने आपको बताया एक मार्क्यूट हम टैग यूज करते हैं. अभी जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तब आपका इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझ आएगा कि हम ये मैंने यहाँ पर मार्की डायरेक्शन क्यों यूज़ किया है. तो मान लीजिए जो वर्ड्स की यानी कि जो एक हेडिंग है उसकी जो डायरेक्शन है वो कर रही मूव कर रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मार्की डायरेक्शन इज इक्वल टू राइट. देन अब देखिए इसकी जो हेडिंग है इसका जो कलर है वो क्या येलो, तो हम क्या यूज करेंगे दैट इज बीजी कलर इक्वल टू येलो. ठीक है, ये मार्की डायरेक्शन हो गया. इसके बाद हेडिंग का नाम लिखते हैं. हेडिंग का नाम क्या देखिए द स्टारलिंग कैप्स में है तो मैं कैप्स में लिख रहा हूँ द स्टारलिंग्स. ठीक है, इसके बाद देखिए ये आपका सुपर स्क्रिप्ट में टू लिखा हुआ है तो हमें सुपर स्क्रिप्ट यूज़ करना पड़ेगा. कैसे यूज़ करते हैं आपको शायद याद होगा. हम क्या करते हैं SUP टैग ओपन करेंगे, फिर लिखेंगे टू और फिर SUP टैग क्लोज भी कर देंगे. ठीक है, अभी हमारा मार्की डायरेक्शन देखिए मार्की जो है टैग ओपन था उसको क्लोज करते हैं पहले, उसके बाद फॉन्ट उसको भी क्लोज कर देते हैं एंड देन एट लास्ट H1. ये हो गया है. अब इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्या है. देखिए अच्छा, यहाँ पर आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन दी हुई है देखिए वो रेड कलर में है,
सो देखिए इसको कैसे करेंगे। एच आर स्टैंड्स फॉर, हम किस लिए यूज करते हैं, दैट इज फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। कलर हम यहाँ पे क्या है, दैट इज इन रेड। विद मान लीजिए सपोज इन 1000 हम लिख देते हैं, विद इक्वल टू 1000। नाउ जस्ट क्लोज, दैट्स इट। अब देखिए नेक्स्ट क्या, देखिए पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। ये पैराग्राफ किसमें, देखिए सेंटर में है बट एंड प्लस ये इटैलिक में है, ठीक है। एंड क्या लिखा है, वेलकम टू द वर्ल्ड। और इसमें फिर हमें ये br टैग यूज़ करना पड़ेगा। देखो ये नेक्स्ट लाइन में है लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर भी हमें नेक्स्ट लाइन में यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, पी अलाइन इक्वल टू सेंटर एंड ये इटैलिक्स में है तो इटैलिक टैग ओपन कर देते हैं। एंड देखिए लिखा क्या है इस पे, वेलकम टू द वर्ल्ड। वेलकम टू द वर्ल्ड, उसके बाद br टैग हमें यूज कर रहे हैं बिकॉज द नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट में लिखा है द स्टारलिंग्स टू, द स्टारलिंग्स हमें फिर से वो सुपर स्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा, सुपर स्क्रिप्ट टू, फिर सुपर स्क्रिप्ट हम जो है क्लोज भी कर देंगे। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, इज अ होली क्लब। देन अगेन वी हैव टू यूज br टैग फॉर ब्रेक लाइन। Then that believes in all around development. Of a child. ये सब एक ही सेंटेंस में लिखा है इसलिए मैंने सब एक में लिखा है। And then That's it, वो कुछ नहीं है। तो हम अब इटैलिक टैग पहले हम क्लोज करेंगे, देन पैराग्राफ, दैट्स इट। सो इतना तो हो गया हमारा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, देखिए हेडिंग है, छोटी हेडिंग है थोड़ी सी एज कम्पेयर टू दिस। तो हम क्या यूज करेंगे, H2 चिल्ड्रन एक्टिविटीज, H2 चिल्ड्रन एक्टिविटीज। सिंपल लिख रहा है तो बस H2 क्लोज कर देंगे हम यहाँ पे। आफ्टर दिस ये आपका देखिए वर्ड स्विमिंग, ये आपका नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो गया और ये इटैलिक में लिखा हुआ है तो इसको ऐसे ही लिखते हैं जैसे ऐसे लिखा हुआ है, पी इन इटैलिक्स स्विमिंग, इटैलिक क्लोज कर देते हैं। एंड देन क्या लिखा है, फॉर चिल्ड्रन अबव 3 इयर्स। अबव 3 इयर्स इसके बाद हम br टैग यूज कर लेते हैं। देन आगे जो लिखा हुआ है क्या लिखा है, टेनिस, ये भी अगेन आपका इटैलिक में लिखा हुआ है। टेनिस पहले इटैलिक क्लोज कर देते हैं। उसके बाद देखा क्या लिखा हुआ है, फॉर चिल्ड्रन अबव 7 इयर्स। लेट्स कर लेते हैं इसको, ये हो गया।
देन वो नेक्स्ट पैराग्राफ है, तो हम यहाँ पे पैराग्राफ क्लोज कर देते हैं। देन वो नेक्स्ट पैराग्राफ ओपन करने के लिए पी, देखिए क्या लिखा उसमें, ज्वाइन दिस वीक एट अ स्पेशल रेट ऑफ, ज्वाइन दिस वीक एट अ स्पेशल रेट ऑफ रुपीज, अच्छा 1000 पर लिखा था उसको कट कर दिया, तो क्या यूज करते हैं हम, डेल यूज करते हैं वो डिलीट। सो ऑफ रुपीज पहले हम लिखेंगे डेल, और डिलीट क्या है 1000, फिर डेल क्लोज करेंगे एंड देन, अच्छा ये तो अंडरलाइन में है, देखिए ये 600 आपका, या तो यू कर लो या तो फिर INS इंसर्ट दैट इज 600 एंड देन INS क्लोज, सॉरी पी भी क्लोज होगा। देन अनदर पैराग्राफ, कॉन्टेक्ट मिस्टर मोहित गुप्ता, पैराग्राफ क्लोज। आफ्टर दिस यहाँ पर आपको एक एड्रेस गिवन है, सो एड्रेस के लिए हम अलग से एक एड्रेस टैग ओपन करेंगे, एड्रेस WZ 1391/27B न्यू दिल्ली। इसके लिए हमें इटैली कीवर्ड यूज़, इटैली टैग यूज़ नहीं करना, बिकॉज हमने ऑलरेडी एड्रेस टैग ओपन किया हुआ है, तो ये उसमें ही हो जाएगा आपका, एड्रेस हो गया एंड देन आफ्टर दिस ये फिनिश हो गया। अच्छा अब ये भी लिखना है हमें, ये लिखा हुआ है राइट साइड में लिखा हुआ, तो पैराग्राफ ओपन करेंगे अलाइन लिखेंगे राइट में, और ये बोल्ड में लिखा हुआ है, लिखा है दिस वेबसाइट इज, अच्छा फिर ये आपका रजिस्टर्ड है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, पी अलाइन इक्वल टू राइट, बोल्ड में लिखा है, सो बी टैग ओपन करेंगे, क्या लिखा था उस पे, दिस वेबसाइट इज रजिस्टर्ड के, दिख ली कैसे करेंगे, देखिए एंड REG सेमी कोलन, एंड REG सेमी कोलन यूज करेंगे, आगे लिखा है विद स्टारलिंग्स फाउंडेशन, विद स्टारलिंग्स फाउंडेशन, दैट्स इट, और कुछ है नहीं आपका। सो पहले हम करेंगे बोल्ड क्लोज करेंगे एंड देन पैराग्राफ क्लोज करेंगे, दैट्स इट आई थिंक, और तो कुछ रहा ही नहीं अब इसमें, सो बस अब हमें पहले बॉडी क्लोज करना है एंड देन HTML, लेट्स सेव दिस फाइल। sample.html and all files save, देखते हैं इसका हम आउटपुट, राइट क्लिक ओपन विद गूगल क्रोम, सी दिस इज द आउटपुट, आई थिंक आई हैव मिस्ड वन पॉइंट हियर, ये हेडिंग आपकी येलो में नहीं आ रही, देखते हैं मैंने क्या मिस्टेक करी है इसमें,
कलर इक्वल टू ग्रीन तो लिखा ही मैंने है, बीजी कल, अच्छा मैंने स्पेलिंग कर दी, बीजी सी ओ एल ओ आर, यस, कंट्रोल प्लस एस, रिफ्रेश, लेट्स रिफ्रेश दिस पेज। अब देखिए अब हो गया यहाँ पर, तो देखिए काफ़ी अच्छा एग्जांपल है इसमें। देखिए हमने मार्केट डायरेक्शन आपको समझ आएगा, अब हम मैंने वहाँ पर मार्केट डायरेक्शन राइट क्यों लिखा था, ताकि वर्ड जो है आपका जो है मूव कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसलिए मैंने खत्म ने मार्केट डायरेक्शन इक्वल टू राइट। पहले देखिए इसमें आपने ये सुपर स्क्रिप्ट देख लिया क्या यूज़ कैसे यूज़ करते हैं, देन आपने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन भी देख लिया कैसे यूज़ करते हैं, देन आपने स्ट्राइक वाला डिलीट टैग यूज़ करते हैं, देन फॉर एड्रेस ये भी देख लिया आपने, देन फॉर रजिस्टर्ड के लिए भी कर सकते हो, ऐसा फॉर कॉपीराइट का भी कर सकते हो, एंड कॉपीराइट सेमी कॉलन, दैट्स इट, बहुत इजी है। ठीक है क्लास, सो ये है आपका काफ़ी अच्छा एग्जांपल, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू।